गाइज वेलकम अगेन टू माई चैनल में आज फिर से आज आपका स्वागत है। आफ्टर अ वन मंथ अगेन वीडियोस बननी शुरू हो चुकी हैं एंड सीरियसली आई वाज नॉट फीलिंग वेल। तो अब रोज़ से आपकी रोशनी फिर आपके लिए 6 to 7 न्यू वीडियोस डालेगी जिसका मैं आज शूट करने जा रही हूँ। ये आई ब्लॉक में है, मोहन गार्डन के अंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रोड एरिया दिखाना चाहती हूँ। ये हमारा रोड पड़ता है, सेकेंड गली मेरी इधर से पड़ रही है। जो मेरी ये बिल्डिंग है ये 125 गज में है और मैं जो फ्लोर शूट करने जा रही हूँ वो 80 गज का है। तो सबसे पहले मैं आपको आउटसाइडर दिखाना चाहती हूँ। अपने फ्लोर का व्यू आप देखिए, मेरे वुडन गेट है, स्टाइलिश गेटिंग है। बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ इस रियली फैबुलस। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंटर टू माई बिल्डिंग। सो मैं एंटर कर चुकी हूँ। अब मैं सबसे पहले आपको अपना पार्किंग एरिया दिखाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ देखिए, फॉल सीलिंग, मैंने पार्किंग में भी फॉल सीलिंग दी है। इसका लेटेस्ट डिज़ाइन, लिफ्ट ऑलरेडी इसमें है। तो ये मेरा पार्किंग है, द बैक साइड आप देख सकते हैं। जो बिल्डिंग है ये अभी रेडी हो रही है, ऑलरेडी रेडी टू मूव्ड है। कुछ वर्क्स हैं जो पेंडिंग रह चुके हैं। तो एंट्रेंस पे मैंने एक फ्लावर पॉटिंग दिया है, जिस तरीके से हम किसी होटल्स में घुसते हैं तो आप देखते हैं कि एंट्रेंस में, तो इस तरीके से मैंने यहाँ फ्लावर पॉट लगाया। इस लुक्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो आज का जो मेरा वीडियो है, काफ़ी टाइम बाद में डाल रही हूँ और होप फॉर द बेस्ट। आप इस स्टोर को देखने के बाद तुरंत रोशनी मैम को कॉल करेंगे और कहेंगे मैम वी वांट टू बाय अप दिस स्टोर। ये जो फ्लोर है बहुत अच्छी जगह पे, पिक पॉइंट पे, मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे है। और अभी मैं आपको लिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। इसकी लिफ्ट ऑलरेडी स्टार्ट है। ये मेरा स्टेज है, इसमें एंगल्स अभी नहीं लगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्डिंग में काफ़ी काम अभी चल रहा है, रेडी टू मूव बिल्डिंग है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो देख सकते हैं टाइल्स कितनी अच्छी लग रही है। कैमरा मैन इधर से दिखाओ प्लीज़। इसका जो छज्जा है, जो सीएस के जो बाहर का जो एरिया होता है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। कुछ सामान अगर हमारा लिफ्ट से नहीं जा सकता तो आप सीएस के रास्ते से भी लेके जा सकते हो। तो जो मैं अब शूट करने जा रही हूँ वो मेरा फर्स्ट फ्लोर है। तो लेट्स मूव इट टू स्टार्ट माई वीडियो।
हुआ फ्लो। पहले मैं आपको अपना स्टेज एरिया का स्पेस दिखा सकती हूँ। नीचे मैंने ग्रेनाइट टाइल्स किए, यहाँ मैं आपको सील के एंगल्स लगा के दूंगी। टाइल्स की अगर बात करूँ डिज़ाइन की, तो वॉल पे भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डिसेंट डिज़ाइन है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जब आप घर से बाहर जाते हैं। ये आपका बेलिंग एरिया है इस तरीके से। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर टू माय फ्लो, एंड उससे पहले ये मेरा लिफ्ट है, आप देख सकते हैं लिफ्ट ऑलरेडी वर्किंग हो रही है। इस तरीके से लिफ्ट है, सीधा आप एंटर कर सकते हैं अपने घर में। इट्स रियली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो नाउ मैं अपने फ्लोर में आ चुकी हूँ। ये जो मेरा फ्लोर है ये 80 गज में है। यहाँ जो मैं खड़ी हूँ ये लिविंग एरिया है। सबसे पहले मैं आपको एंट्रेंस का डोर दिखाना चाहती हूँ। इस टोटली लेटेस्ट डिजाइन ऑफ लॉकिंग, एंड आप देख सकते हैं इस प्लेन वुडन डोर है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। फैंस की बात करूँ, मैं इसमें आपको फैंस लगा के दे रही हूँ। झूमर मैं आपको लगा के दूंगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी वर्किंग थोड़ा सा पेंडिंग है, सीनरीज लगा के दूंगी। इससे टोटली धीरे धीरे सरप्राइज खुलेगा क्या क्या मैं इसमें आपको चीज़ें दे रही हूँ। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लोर। अगर मैं बात करूँ फ्लोरिंग की, तो आप देख सकते हैं मैंने क्रीमिश शेड में टाइलिंग्स में फ्लोरिंग करी है। ये मेरा LED पैनल है जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको लाइट्स लगा के दूंगी अंदर। इस वक्त सब वेरी वेरी प्रीटी, थोड़ा सा काम पेंडिंग है फ्रेंड्स। एंड दिस इज अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, ये बुकिंग में चल रहा है, इस ऑफर को जाने मत देना। अगर मैं बात करूँ वॉलपेपर की, तो आप देख सकते हैं इट्स रियली कलरफुल वॉलपेपर। कंट्रास्ट की बात करूँ क्रीमिश के साथ येलोइश वॉलपेपर है। किचन अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। यहाँ पे आपका एल शेप में बहुत ब्यूटीफुल सोफा आ सकता है। एटलीस्ट 15 सीटर्स का सोफा ईजिली सकता है। सेंटर में आप सेंटर टेबल रख सकते हो। अगर मैं बात करूं मिरर की, तो मैंने यहाँ एक मिरर डिजाइन दिया है आपको लगा के। स्प्लिट एसी लगा सकते हैं, स्प्लिट एसी की वायर्स ऑलरेडी मैंने दी है। यहाँ मिरर लगा सकते हैं, मिरर ऑलरेडी मैं लगा के दे रही हूँ, जिससे कि कोई भी आपकी एंट्रेंस होती है तो अगर आप इधर बैठे हैं तो आपको पता लग सकता है। एंड सीनरीज में इसमें आपको लगा के दे रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मैं सीनरीज ऑलरेडी आपको पुट करके दे रही हूँ। वॉलिंग इज रियली वेरी डिसेंट। अब हम चलते हैं किचन में। ये मेरा किचन आप देख सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ डिज़ाइन देखिए, इट्स अ वुडन प्लाइंग ऑफ डिज़ाइंस। यहाँ पे मैंने स्मॉल लाइट्स आपको लगा के दूंगी। अब हम अपने किचन में एंट्रीज कर चुके हैं। ये टैपिंग एरिया है, सॉरी ये बॉक्स पता है किस चीज़ का है, पेंट्स का है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि वर्किंग चल रहा है। ये आपके फैंस के बॉक्सेस ऑलरेडी अभी हैं। ये मैंने आपको आरओ स्पेस दिया हुआ है, आप अपना आरओ स्पेस रख सकते हैं, गीजर लगा सकते हैं। टाइल्स की बात करूँ, आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्चर है, ब्राउनिश शेड में है। चिमनी मैं आपको लगा के दे रही हूँ। स्विच बोर्ड्स ऑलरेडी फिटेड में हैं। यहाँ पे आप कुछ भी अपनी बॉटल समथिंग कुछ चाय पत्ती के रख सकते हैं। ये आपका सेकंड ड्रॉर है, ये आपका थर्ड ड्रॉर है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, तो ये आपका फोर्थ ड्रॉर है, ये आपका फिफ्थ ड्रॉर है। और अगर मैं विंडो की बात करूँ, तो वेंटिलेशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक विंडो दिया, एग्जॉस्ट फैन वहाँ लगा के दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कोने में कैमरा मैन का ये पीस। ये मैं आपको एकदम मॉडलर किचन है। अगर मैं बात करूँ स्टीलिंग की, सी इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल। ये ट्रेइंग टाइप में आप इस तरीके से अपनी ट्रे को बाहर निकाल सकते हैं। चैनल्स का वर्किंग बहुत चल रहा था, ये ट्रेस टाइप में है। अब हम चलते हैं सी, दिस इज रियली, इसमें मैं ट्रेस टाइप आपको लगा के दूंगी, विच कुल बी अ वॉशेबल। अब हम चलते हैं सेकेंड ड्रॉर में, तो आप देख सकते हैं टोटली मॉडलर किचन मैं आपको दे रही हूँ। ये आपका डस्टबिन प्लेस है, ये आपका ड्रमिंग प्लेस है, ये आपका डस्टबिन है। हाइड एंड सीक के लिए मैंने प्लेसिंग दिया है। ये आपका ग्लासेस वाला प्लेस, दिस इज़ फॉर द ग्लास। इट्स अ टोटल न्यूली मॉडलर किचन विच इज़ नॉट अटैच विद द यू नो लाइक, जैसे मैं पहले प्लेट्स के लिए आपको चैनल्स दे रही थी, वो मैंने अब नहीं दिए इसमें। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, विच गोइंग टू मूव इट टू दिस साइड। बट उससे पहले मैं आपको वॉशरूम में लेके जाना चाहती हूँ। दिस इज़ ए वॉशरूम, इस रियली वेरी वेरी प्रिटी। जहाँ मैं एंट्री कर चुकी हूँ, देखिए इसका जो होटल्स में जैसे हम लोग जाते हैं, उस तरीके से मैंने इंग्लिश पॉटिंग डिज़ाइन दिया है। बैकिंग में शावरिंग है, ऑलरेडी हैंड शावर्स दे रही हूँ। पीछे आप कुछ भी कैंडल्स है कुछ लगाते हैं स्मेलिंग वाली, तो इस तरह से वेरी गुड स्मेल इन द वॉशरूम। अब हम चलते हैं, एग्जॉस्ट फैन ऑलरेडी दे रही हूँ, मिरर आपको दे रही हूँ। ये मेरा बाथिंग स्पेस है, टैप ऑलरेडी है, सॉरी मैं ओपन नहीं करूँगी, पानी आ जाएगा, ऑलरेडी ठंड है। ये आपका वॉश बेसिन है। अगर अब मैं बात करती हूँ, ये है मेरा फर्स्ट कॉमन वॉशरूम। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू योर फर्स्ट बेडरूम, विच इज़ सी, दिस इज़ रियली अ फर्स्ट बेडरूम विच इज़ हैविंग द कर्टन्स के साथ दे रही हूँ आपको। ये विंडो है आपका। अगर मैं फ़ैन, आप बात करते हैं फॉल सीलिंग की, तो आप फॉल सीलिंग में देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिया है।
अब हम चलते हैं, आप इस तरफ अपना, ये जो आपका है ये बेडिंग स्पेस है, आप यहाँ पे अपना बेड रख सकते हैं, आप इसको पूजा रूम बना सकते हैं, आप अपना चिल्ड्रन रूम बना सकते हैं, वट एवर। वैसे ये चिल्ड्रन रूम है इसीलिए मैंने इसका साइज़ चिल्ड्रन रूम के हिसाब से दिया हुआ है। कर्टन्स मैं आपको लगा के दे रही हूँ, वॉलपेपर मैंने ब्राउन कलर में दिया है, लाइट्स आप देख सकते हैं, इसीलिए लाइट्स ऑलरेडी मैं पुटिंग करके दे रही हूँ। अब हम चलते हैं अलमीरा की साइड, तो ये मेरी अलमीरा है, जो मैं आपको अलमीरा दे रही हूँ मेरी नहीं है, फोर्स आपकी है। सो नाउ दिस इज द ड्रॉअर, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द LED पैनल। यहाँ पे मैं आपको एक LED पैनल दे रही हूँ, अगर आप कहेंगे तो डिमांड आपके उस पर मैं आपको कंप्यूटर टेबल टाइप भी दे सकती हूँ, आप इसको पूजा रूम बना सकते हैं, आप इसको चिल्ड्रन रूम बना सकते हैं, अफकोर्स ही बात है अगर किसी के घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो ये उनका भी रूम बन सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू योर सेकेंड बेडरूम विच इज़ अटैच विद द बालकनी, देन आई टेक यू फॉर द थर्ड बेडरूम विच इज़ अटैच विद योर वॉशरूम। इट्स लाइक अ वाइटनिंग कलर ऑफ बेडरूम। अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की, तो अगेन मैंने यहां पे फैन आपको दिया है कॉम्बिनेशन के साथ, व्हाइट कलर का दिया है। नाउ दिस इज द LED, यू कैन सी जो कॉम्बिनेशन मैंने इसमें ब्लू कलर एंड व्हाइटनिंग का दिया है। पीछे जो मैंने आपको वॉलपेपर दिया है ये पिकॉक विंग्स जो होते हैं ना उनका है ये डिज़ाइन, एंड सीरियली वेरी वेरी प्रिटी। अब मैं अलमीरा की बात करूँ तो ऐसा स्लाइडर अलमीरा, आई रियली लव दिस डिज़ाइन अ लॉट एंड सीरियसली ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है। और आप देख सकते हैं ऐसा स्लाइडर अलमीरा, दिस स्लाइडर अलमीरा हमेशा स्पेस कम लेता है, खोलने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो दिस इज द सेकेंड डोर एंड दिस इज अगेन आई एम गिविंग यू द प्लेस जहाँ पे आप कुछ भी एंटिक सजा सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं टाइल्स की बात करूँ, नीचे मैंने जो फ्लोरिंग दी है वाइट कलर की टाइल्स से दी है, इसमें मैं आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दे रही हूँ। दिस इज अ विंडो फॉर द वेंटिलेशन एंड दिस इज फॉर योर विंडो AC। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर टू माई बालकनी, सो दिस इज अ बालकनी। अगर मैं वॉल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको ग्रासिंग दिया है जो आजकल फैशंस में चल रहा है, यू नो डैट। एंड ये वॉशिंग मशीन है, ये टैप ऑलरेडी दिया है वॉशिंग के लिए। फ्रंट आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, गली की अगर मैं बात करूँ काफ़ी चौड़ी गली है, स्टील की ग्रिल्स लगा के दे रही हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है। इस तरीके से मैं आपको एंगल्स लगा के दे दूँगी जिससे आप अपने क्लोथ को सुखा सकते हैं। ये जो मेरा फ्लोर है ये फ्रंट साइड पे है, ये 80 गज का है, 125 गज की बिल्डिंग में है, 125 गज की ज़मीन है जिसमें से 80 गज फ्रंट पे है, बाकी रेस्ट ऑफ द उसका बैक साइड पे है। ये 3 BHK है, बैकिंग में 2 BHK है। रेट ऑफ कॉस्ट को जब आप सुनोगे तो तुरंत रोशनी मैम को कॉल करोगे कि मैम मुझे लेना है। कोई सी बात है, नए साल में न्यू लाइफ के साथ अपने नए घर में वेलकम कीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंटर टू माई थर्ड बेडरूम, उसके बाद हम थोड़ी सी बातें करेंगे और इस वीडियो को जल्द से जल्द फिनिश करेंगे। तो मैं अपने मास्टर बेडरूम में एंट्री कर चुकी हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको फॉल सीलिंग डिज़ाइन दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा फॉल सीलिंग डिज़ाइन जिसमें मैं आपको फ़ैन साथ में दे रही हूँ। अब हम बात करते हैं अपनी फ्लोरिंग की। इसमें जो मैंने रूम में फ्लोरिंग करके दी है वो वुडन टाइल्स आपको लगा के दी है, इसीलिए वेरी वेरी डिसेंट रूम। अब मैं चलती हूँ आपको LED पैनल दिखाने के लिए। तो ये है आपका LED पैनल डिज़ाइन जिसमें आप सबने कुछ एंटिक सजा सकते हो। इसमें मैं आपको ड्रॉअर दे रही हूँ, अलमीरा मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, उससे पहले मैं चलती हूँ आपको विंडो दिखाने के लिए जो वेंटिलेशन के लिए मैंने आपको दी है। यहाँ पर आप अपना AC लगा सकते हैं, विंडो AC। अब मैं चलती हूँ आपको अलमीरा दिखाने के लिए। तो ये है मेरी स्लाइडर अलमीरा, दिस इज फर्स्ट ड्रॉ, यू कैन सी, एंड इसीलिए वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं डोर की बात करूँ अलमीरा के बाहर मैंने बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन दिया है। ये है मेरी फर्स्ट ड्रॉ, आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी स्पेशियस लॉकर ऑलरेडी मैं इसमें दे रही हूँ। अब मैं इस रूम में जो आपको फैसिलिटीज़ दे रही हूँ उसमें मैं आपको बहुत सुंदर सी डिसेंट सी सीनरी लगा के दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। बल्ब ऑलरेडी मैंने लेटेस्ट डिज़ाइन की आपको डिज़ाइनर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। अपने वॉशरूम में एंटर कर चुकी हूँ, दिस इज़ अ वॉशरूम जिसमें मैं आपको जो वॉल्स पे जो दी है मैंने आपको इसमें ग्रेनाइट का पत्थर दिया है, इसमें टाइल्स नहीं दिए हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ऊपर मैं फॉल सीलिंग दे रही हूँ, शावरिंग का शावर ऑलरेडी लगा के दे रही हूँ, टैपिंग आपके ऑलरेडी लेटेस्ट डिज़ाइन की है, ओपन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे गीला नहीं होना। अब हम चलते हैं पॉटिंग एरिया में। तो ये आपका पॉट है, इंग्लिश पॉटिंग, जिस तरीके से आप मॉल में देखते हो ना शावरिंग करने का, इस तरीके से तो आप साउंड आ रही है, टैपिंग ऑलरेडी, वाटर जितने भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी है, सब कुछ चालू है, रेडी टू मूव फ्लोर है। वॉश स्टेशन का डिज़ाइन आप देख चुके हो, इसमें मैं आपको एक मिरर दे रही हूँ, एग्जॉस्ट फैन भी मैं आपको लगा के दे रही हूँ। एंड अब हम चलते हैं, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको इसका कॉस्ट ऑफ रेट बताऊँगी, इसीलिए वेरी वेरी बेस्ट रेट, आप सोच भी नहीं सकते। 3 BHK का आई ब्लॉक के अंदर मोहन गार्डन में फ्रंट का इतना सस्ता फ्लोर, इतना अच्छा फ्लोर, आप सोच भी नहीं सकते। कॉस्ट ऑफ रेट मैं कॉल्स में नहीं बताऊंगी, सिर्फ बुकिंग अमाउंट बताऊंगी। सो फ्रेंड्स,
आज मैं सबसे पहले आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर योर प्रेयर्स, फॉर योर दुआ। थैंक्स टू माय कंपनी डायरेक्टर्स जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में, जिस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे लिए सबने प्रेयर्स किया, मेरी कंपनी की टीम ने प्रेयर्स किया कि आई जस्ट गेट वेल सून और जल्द से जल्द मैं अपने आप सबके पास आ सकूँ। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए, मैम आपकी वीडियोज़ नहीं डल रही हैं, आप कहाँ पर हो, वीडियोज़ रोज़ डल रही हैं लेकिन आप नहीं दिख रहे हो। एंड रियली थैंक्स टू माई व्यूअर्स, थैंक्स टू माई फ्रेंड्स, थैंक्स टू एवरी वन जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मुझे सपोर्टिंग किया। आप सबकी दुआओं के वजह से आज आपकी रोशनी आज आपके सामने है। ये भी हो सकता है कि भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा कि नहीं रोशनी अभी भी ज़रूरत है तुम्हारी सबको। एंड ऑफकोर्स सी बात है मैं कोई नहीं होती, आपका घर बनाने वाली भगवान सिर्फ एक जरिया बनाता है। मैं सिर्फ आप तक एक छोटा सा मैसेज पहुंचाती हूं और सपने को आपने खुद साकार करना है, अपनी मेहनत की कमाई से करना है। रोशनी ने आपको पैसा नहीं देना, पैसा आपने खुद देना है। सिर्फ रोशनी ने आपको एक जरिया दिखाना है कि आपके बजट के अंदर आपको छोटे से अमाउंट में आप अपने सपने को साकार कर सकते हो। जो आप रेंट पर रहते हो आप उस रेंट से फ्री होके अपने घर को साकार कर सकते हो। कोरोना कोविड के टाइम पे हमने जिंदगी में एक नई लड़ाई जी है जिससे हमें पता लगता है कि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, वी डोंट नो। तो जो अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं तो प्लीज करिए। अगर आप लोग रेंट पे रह रहे हो तो उससे फ्री हुई है। अब आ चुका है नया साल, आने वाले 10 दिन के बाद हमारी ज़िंदगी का एक नया साल शुरू होगा और हम सब थैंक यू बोलते हैं इस 2020 को जो हम लोगों ने इतना बुरा वक्त देखा। हमने अपनी लाइफ में इस जाते हुए साल को याद भी करते हैं। काफ़ी ऐसी फैमिलीज़ होगी जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ में काफ़ी लोगों को मिस भी किया होगा और शायद अलविदा भी किया होगा। एंड दैट्स रियली ट्रू। ये कोविड का टाइम, ये 2020 हम सबके लिए बहुत भारी था। हम लोगों को खुद नहीं पता था कि कब मिनट में सांस ले रहे हैं, आज सो रहे हैं, आज हम जग रहे हैं, वी रियली डजंट नो। तो इतनी बातें इसलिए कर रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद वीडियोज़ बनाई है, काफ़ी टाइम के बाद आप सबसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो इसीलिए अब प्लीज़ आप सब जग जाइए, जितने भी लोग रेंट पे रहते हैं। अब मैं बात करती हूँ इस फ्लोर के कॉस्टिंग की। तो जो इसमें मैं आपको फैसिलिटीज़ दे रही हूँ, तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ बुकिंग अमाउंट 51,000 रुपीज़ है। इसका कॉस्ट नहीं बताऊंगी, सरप्राइज रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जिन्होंने लेना है या जो भी है मेरे ऑफिस में हो, कप ऑफ टी हम साथ में बैठ के पियेंगे, मैं और आप एक एक कप टी, और शायद अपने सपने को साकार करने में मैं आपकी पक्का मदद करूँगी। इसमें जो मैं आपको फैसिलिटीज़ दे रही हूँ, लिफ्ट है, कार पार्किंग है, मेट्रो से सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 मीटर की दूरी पर, आई ब्लॉक के अंदर है, फ्रंट का फ्लोर है। इस ऑफर को जाने मत देना। न्यू ईयर के लिए मैंने बहुत अच्छा ऑफर निकाला है। ऑफकोर्स ये बात है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा होगा कि रोशनी मैम 60 लाख का होगा, 70 लाख का होगा, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। आई एम रियली सो सॉरी, क्योंकि मैं अब खुद चाहती हूँ आप सब मुझसे मिलने आओ। मैं भी चाहती हूँ आप लोग अपने सपने को साकार करो। और ऑफकोर्स ये बात है, चैलेंज के साथ प्रॉमिसिंग करती हूँ, जो प्रॉमिसिंग मैंने कर दिया वो मैं देती हूँ। अभी तक जितने भी लोगों ने घर बनाए हैं सब थैंक्स करते हैं मेरी टीम का, क्योंकि इसमें मेरे डॉक्टर्स को थैंक्स करती हूँ जो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये सब दूंगी लगा के, वो सब अवेलेबल करती हूँ। तो मैं कुछ नहीं करती, करने वाला वो है। सो प्लीज़ हरी अप कीजिए। अगर आप लोग रेंट पे हो, नए साल में अपनी फैमिली को नए घर के साथ, नए साल में अपनी नई जिंदगी में शुरुआत कीजिए रोशनी मैम के साथ, अपने सपने को साकार कीजिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट के मूड से डालना चाहते हो तो भी आप मुझे कॉल करिए। मोहन गार्डन, द्वारका मोड़, रजौरी गार्डन, जनकपुरी, जहाँ पे भी आप फ्लोर चाहते हो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको अवेलेबल करके देती हूँ। आई एम नॉट डीलर, आई एम नॉट डीलर, बार बार बोल रही हूँ। सब लोग कॉल्स करते हैं मैम डीलर हो, मैं डीलर नहीं हूँ। मुझे आपसे कोई कमीशन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। मैं, मेरी कंपनी जो है, हम लोग बिल्डर्स हैं। मैं एक सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ इस कंपनी की। मेरे साथ मेरे लोन डिपार्टमेंट की मैम है पारुल मैम, जितने भी मेरे यूट्यूबर्स के चैनल्स हैं वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर हैविंग द एंटायर टीम, हमारे अपने सेल्स डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, ऑल अदर डिपार्टमेंट्स वी डू हैव। वी आर नॉट नॉर्मल पीपल, वी आर द ब्रांड्स। मैजिस्टिक होम मेरा ब्रांड है, अटैरो इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है। हाँ, बची बात अगर मैं फ्लोर की बात करती हूँ, आपको जिस भी जगह पर चाहिए मैं आपको अवेलेबल करके देती हूँ, बिकॉज वी डू हैव लॉट्स ऑफ साइट्स जो हम बना रहे हैं आने वाले कमिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स में। मोहन गार्डन में मेरे पास बहुत सारी अच्छी अवेलेबिलिटीज हैं, मेट्रो से 300-400 मीटर की दूरी पर हैं, पक्की रजिस्ट्री है। अगर आप LLC से लोन चाहते हो, SGFC से कहते हो, जिससे भी चाहते हो, मैं उससे आपको अवेलेबल करा के देती हूँ। और ऑफकोर्स ये बात है, 45 डेज का मैं आपसे टाइम मांगती हूँ, 15 डेज में मैं आपको लोन करा के आपके घर की चाबी आपके हाथ में देती हूँ, लेकिन डिपेंड आपके डॉक्यूमेंटेशन पे करता है।
रोशनी मैम बुक तो कर देगी, लेकिन ये बात सच है लोन के पेपर्स के लिए आपको मुझे जल्द से जल्द पेपर देना है, और चैलेंज के साथ प्रॉमिसिंग करती हूँ, चुटकी बजाना कई लोगों का मेरा बहुत अच्छा लगता है, तो उन सब के लिए चुटकी बजा रही हूँ और चैलेंज के साथ बोलती हूँ कि आपका सपना घर हो अपना। सो प्लीज़ देर मत कीजिए, 8595888303 में मुझे कॉल करो, रोशनी मैम को किसी भी टाइम कॉल करो। 51,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट है, इस घर को जल्द से जल्द अपना घर बुक करिए, न्यू ईयर के टाइम में अपने घर में शिफ्ट कीजिए। सो डोंट डिले आउट, डोंट मिस आउट, घर हो आपका, सपना हो आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।